हे हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे हो, मेरे सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम टियर डाउन एंड इसको ओपन करके देखेंगे एमआई राउटर 3C का, जो कुछ ही दिन पहले हाल ही ने जो एमआई ने इसको एमआई इंडिया पे लॉन्च किया है। और आज मैं इसको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर जो पार्ट्स है, जो किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स है, और टियर डाउन करके सभी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा और किस तरह से काम करता है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा सीपीयू लगा गया है, कौन सा रैम है और किस तरह के पार्ट्स है, किस तरह से पार्ट्स काम करते हैं, सभी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह से जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों ये एमआई का एमआई राउटर 3C है जो इंडिया पे लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन पहले। 999 में इसका प्राइस है अभी, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पे भी जाकर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है इसका, और इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू और एक मोड है जैसे करके आप रिपीटर के साथ रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जियो फाई के साथ किस तरह से इसको कनेक्ट करके आप रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। पर आज इस वीडियो में हम लोग को इसको टियर डाउन करूंगा और एक एक पार्ट्स के साथ रूबरू करूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए सबसे तो वीडियो को जरूर दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए। तो देख सकते इसका पीछे का लुक कुछ इस तरह से दिखते हैं। और इसमें जो है दोस्तों एक ही स्क्रू है, तो इसको आपको खोलना पड़ेगा। ये जो स्टिकर है तो इसके नीचे है, तो बेसिकली ये जो स्क्रू ड्राइवर का पैकेज है तो सिंपल इसका भी अगर लेना चाहते हैं तो सभी का फोन में काम कर। दोस्तों टपारिया का है तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया था, अगर आप भी चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहां से जाकर आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको यहां से हम खोलते हैं और उसके बाद में आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये वाला जो है हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप पे जो है हम लोग का बेसिकली स्क्रू है, तो सिंपल हम लोग इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से है। और उसके बाद जो स्क्रू है मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते ये वाला जो है हम लोग का स्क्रू है, तो इसको भी हम लोग खोल लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दो बार जो सिरा है, तो सिंपल इसके अंदर इसको स्क्रू ड्राइवर को घुसा के इस तरह से अगर करेंगे तो, या फिर कोई प्लास्टिक से करेंगे तो ये आसानी से खोल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों खोल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो है अब इस तरह से करेंगे तो ये देखिए हम लोगों का ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड पर और जो है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ एक कुछ दोस्तों दिखता है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। मैं एक एक पार्ट्स के साथ आपको रूबरू करा देता हूं तो कि कौन सा पार्ट्स किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूं, ये जो दोस्तों दो यहां पे स्टेप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो बेसिकली वेट को कंट्रोल करने के लिए है, वैसे साथ इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है लाइटिंग का है, तो ये आप लाइटिंग यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं जो है फाइबर और प्लास्टिक के साथ बनाया गया है और इसमें से लाइट थ्रो होता है और यहाँ पे आपको दिखते हैं और ऑन होने के बाद जो लाइट आते हैं। तो चलिए इस तो एक एक जो पार्ट्स है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है और काम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वाला जो है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये वाला है ईट्रॉन टेक का 128 MB का रैम है। तो ये वाला जो रैम स्लॉट का है, तो ये आप यहाँ पे रैम देख सकते हैं, ये वाला जो है रैम का है हम लोगों का। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है उसके बगल में जो है दोस्तों मीडिया टेक का एक प्रोसेसर लगा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मीडिया टेक का प्रोसेसर है। दोस्तों एक चीज मेरे को समझ में नहीं आता, इंडिया पे एमआई के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जिसमें प्रोसेसर होता है दोस्तों सभी पे इंडिया पे लबड़ा हो गया कि मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ इंडिया पे कोई भी एमआई का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। पर एमआई राउटर 3C में क्यों मीडियाटेक प्रोसेसर लगा के दिया है दोस्तों मेरे को पता नहीं है, शायद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देता तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियाटेक का प्रोसेसर देखे गया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो है प्रोसेसर है, उसके बगल में जो ईट्रॉन टेक का रैम है और ये वाला प्रोसेसर हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये वाला जो चारों यहाँ पे जो वायर है ये देख सकते हैं सोल्डरिंग किया गया है एक एक एक, तो ये चारों वाला चारों बेसिकली 2.4 GHz का जो एंटेना है एंटेना को बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और दोस्तों ये जो एंटेना है दोस्तों ये रिमूवेबल नहीं है, मतलब फिक्स्ड है। और अर जितना सारा अलग अलग जो राउटर होता है उसमें जो एंटेना रिमूव कर सकते हैं, पर इसमें जो है फिक्स्ड करके गया है। और यहाँ पे क्लिप रहता तो अच्छा होता जो बोर्ड के साथ इस तरह से चिपक कर रहता और बाद में भी आप खोल भी सकते, तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है नहीं, तो डायरेक्ट ये बोर्ड के साथ सोल्डरिंग करके गया है वायर को। और एंटेना भी रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ है। तो ये तो हो गया प्रोसेसर रैम एंटेना की बात। और ये वाला कुछ IC देके गया ट्रांसमिशन के लिए आप देख सकते। और दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते ये वाला जो दोनों है जो 2.4 GHz वायरलेस ट्रांसमिशन को ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए दो वाला IC लिए यहाँ पे देखे गया है। और जो एक एक पार्ट्स में और जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो है रिसेट का स्विच है। दोस्तों आप देख सकते हैं रिसेट वाला स्विच है, यहाँ से अगर प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा पूरा राउटर। और यहाँ पे जो दो आउटपुट देखे गया है RJ45 जैक के द्वारा आप आउटपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो एक इनपुट देखे गया है, और दोस्तों ये इनपुट दोस्तों ADSL का है नहीं है, जैसे करके अगर आपके घर पे अगर पुराना वाला BSNL का
लैंडलाइन है तो उसमें से आप नेट यूज नहीं कर सकते दोस्तों। ये इंटरनेट का जो है तो ये नॉर्मल है तो ADSL का सपोर्ट नहीं करता है। ये जो दोनों है ये दोस्तों RJ45 आउटपुट के लिए है और ये वायरलेस का 2.4 GHz का है दोस्तों। और एक इसका मॉडल आता है जो है 5 GHz का, 2.4 GHz डुअल बैंड और 5 GHz का डुअल बैंड का साथ आता है। जो ग्लोबल वर्सन नहीं है दोस्तों, वो चाइना वर्सन है। तो उसमें क्या है कि एक USB पोर्ट भी मिल जाता है फार्मवर्क वगैरह अपडेट करने के लिए, तो इसमें वो दोस्तों नहीं है। इंडिया पे जो लॉन्च किया गया सिर्फ इसी में यही मिलता है आपको। और जो है यहाँ पे जो है DC इनपुट देके इस राउटर को आप रन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर और यहाँ पे MI का लोगो दिया गया है और ये पर जो दो स्क्रू है उसको भी खोल के मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो इसके पीछे में क्या है तो सिंपल इसको हम ओपन कर लेते हैं। बेसिकली दोस्तों ये हमारे दो का ओपन हो गया और उसके बाद मैं आपको पीछे का पोजीशन में एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डेट वगैरह देखे गया और यहाँ पे जो है डायोड और IC के साथ लगा गया है ताकि जो पावर ट्रांसमिशन और एक्सटेंड का जो वायरलेस एक्सटेंड है वो ज़्यादा अच्छा हो पाए, तो इसलिए ये देखे गया है। अभी आप देख सकते हैं और यहाँ का जो है RJ45 जो तीनों कनेक्टर है, ये वाला आउटपुट का और ये वाला इनपुट का, तो ये बेसिकली जो है सोल्डरिंग करके बोर्ड के साथ लगाया गया है। पीछे पे दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। और दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये वाला जो है बेसिकली तीन लाइट LED लाइट देखे गया है। ये लाइट का मतलब क्या है कि दोस्तों जब यहाँ पे जो पेयरिंग का कनेक्ट होता है, जब पेयरिंग करके कनेक्ट करेंगे तो ये जो ब्लू लाइट जलता है और उसके बाद जो है ऑरेंज कलर का लाइट जलता है। तो ये रेड मतलब ये दोस्तों LED वगैरह यहाँ पे देखे गया ताकि ये इस तरह से जो है यहाँ पे जब आ जाएगा तब यहाँ पे जो है इसके थ्रू जो है आपको यहाँ पे शो होगा। तो यही था दोस्तों इसका फंडा। पर मेरे को एक चीज आपको पता नहीं है जो इसमें MediaTek का प्रोसेसर क्यों लगाया गया है। जो इंडिया में MediaTek का MI का कोई भी प्रोडक्ट, MI या फिर Xiaomi का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अपने पे है नहीं, पर इसमें जो MI राउटर 3C में क्यों दिया कि गया है मेरे को पता नहीं है दोस्तों। और इसमें और भी दो तीन वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी है जो इसका अनबॉक्सिंग है और इसका सेटअप था और किसके इस तरह का रिपीटर की थ्रू किस तरह से आप काम कर सकते हैं, रिपीटर के द्वारा रेंज को एक्सटेंड कर सकते, उसका वीडियो है। तो वो भी नहीं जाके तो वो जाके देख सकते, वो भी अगर नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते दोस्तों। तो दोस्तों यही था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप सभी के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों लाइक कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय।